कहते हैं भाभी माँ समान होती है, लेकिन क्या हो जब कोई देवर अपनी भाभी को माँ समान नहीं बल्कि एक पत्नी का दर्जा देता हो, और जब बात शादी की आए तो सबके सामने वो मुकर जाए। ऐसा ही हुआ है बिहार के भागलपुर में, जहां से प्यार वादे और शादी को लेकर अजीबोगरीब मामला सामने आया है। और मामला इतना गंभीर हो गया है कि भाभी को थाने तक जाना पड़ा, और वजह थी देवर की शादी। यानी कि भाभी को देवर की शादी से एतराज था, और पहले तो देवर को वो रोकती है, और जब वो मना कर देता है तो मामला को लेकर थाने में पहुंच जाती है, और वहां देवर की शादी की जिद करने लगती है। यानी कि वो चाहती है कि उसकी देवर किसी और से नहीं बल्कि उससे शादी करे। ऐसे में क्या है पूरा मामला वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान मिड लाइफ टेक्निशियन के पद पर हूँ, और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये चौथा पांचवा महीना है, और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग कराते थे कि नहीं आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिहार के भागलपुर से अजीबो गरीब देवर भाभी की प्रेम कहानी कहें या फिर धोखे की कहानी कहें निकलकर सामने आई है, जहां महीनों से भाभी को पत्नी की तरह रखने वाले देवर की शादी तय हो जाती है और उसकी शादी रुकवाने के लिए भाभी थाने पहुंच जाती है। जी हां, भागलपुर में विधवा भाभी अपनी छोटी सी 6 साल की बच्ची और माँ को लेकर ये जिद पर अड़ जाती है कि देवर की शादी वो होने नहीं देगी, और जब ससुराल वाले मानते नहीं हैं तो भाभी थाने पहुंच जाती है। बता दें जोगसर थाना क्षेत्र के काली ठाकुर लेन में रहने वाले कारू तूरी, यानी कि इस मामले में जिस देवर की हम बात कर रहे हैं, उसके भाई की शादी 10 साल पहले गुड्डा धमनी की निवासी सुलोखा के साथ हुई थी, लेकिन खुदा ना खास्ते एक सड़क हादसे में सुलोखा के पति यानी कि कारू तूरी की मृत्यु हो जाती है, और उस वक्त सुलोखा गर्भवती भी रहती है, और पति के मृत्यु के बाद वो अपने मायके चली जाती है, जिस दौरान उसका देवर यानी कि कारू तूरी का छोटा भाई बंटी तूरी लगातार अपनी भाभी से मिलने उसके मायके जाता है, उससे मिलते जुलते ही रहता था। इतना ही नहीं बल्कि वो भाभी को पत्नी बनाने का सपना भी दिखाया करता था, और जब बात आगे बढ़ गई तो भाभी से शादी करने को कहने लगा, और जब महिला जिद पर आ गई कि उसे शादी करनी है तो सबके सामने कागजी तौर पर अपनी भाभी से वो शादी कर लेता है, और जब बात सिंदूर की आती है तो गर्भवती होने का हवाला देकर सिंदूर बच्चा होने के बाद लगाने की बात करने लगता है, जिससे शादी बिना सिंदूर की हो जाती है। और अब सुलोखा का कहना है कि बच्चा आज 6 साल का हो गया है और आज तक मेरे देवर ने मेरी मांग नहीं भरी है, यानी कि उसे सिंदूर नहीं लगाया है, लेकिन उसको रखता वो पत्नी की तरह ही है, और जब भी वो शादी की बात करती है तो बात टाल दिया जाता है। ऐसे में अब बंटी तूरी की शादी कहीं और तय हो रही है, और जब महिला उसे शादी करने से रोकती है तो उसे भाभी वाले रिश्ते की याद दिलाने लगता है। इन सारे मामलों पर बंटी तूरी का कहना है कि जिस कागजात शादी की बात भाभी कर रही है वो हमसे जबरदस्ती करवाई गई थी, वो इस शादी को मानने को अब तैयार नहीं है, और साथ ही जिस तरीके से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है उससे भी वो परेशान है। बंटी तूरी ने सुलोखा की बातों को झूठा बताते हुए उसे पत्नी नहीं बल्कि भाभी की तरह रखने की बात कही है। तो वहीं बंटी तूरी की माँ का भी कहना है कि उसके बड़े बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी बहू अपने मायके में रहती थी, और जब भी उनका छोटा बेटा उसे लाने जाता था वो ससुराल आने से मना कर देती थी, और अब वो कह रही है कि उसके छोटे बेटे से वो शादी करेगी, उसकी शादी कहीं और नहीं होने देगी। ऐसे में एक तरफ जहां सुलोखा और उसकी मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही खूब हंगामा भी किया है, जिस दौरान भाभी देवर से शादी करने को लेकर जिद पर अड़ी रहती है, तो वहीं देवर भाभी की बातों को झुठलाता हुआ नजर आता है। ऐसे में झूठा कौन है इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन एक तरफ जहां इस समाज में कभी देवर विधवा भाभी का हाथ थाम उसकी जिंदगी संवारते हुए नजर आता है, तो वहीं उसे कहीं झूठा साबित कर उसकी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखा जाता है। ऐसे में अब इस मामले की शिकायत हो चुकी है, और जो भी आगे नए अपडेट्स आएंगे किस तरीके से इस मामले को आप भी देखते हैं हमें जरूर बताएं। बाकी देखते रहे जनता जंक्शन, धन्यवाद।